हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि आपके लव्ड वन आज के दिन में आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं। आज के दिन यानी जब भी आप देख रहे हैं, जिस भी दिन देख रहे हैं, ठीक है, उस दिन या फिर 24 आवर्स के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। यस, ये रीडिंग उनके लिए है जिनका बातचीत नहीं हो रहा है या फिर लेस कॉन्टैक्ट में है, कि बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो रहा है। कभी कभार बातचीत होते हैं, फिर से आपके पर्सन जो है इग्नोर करने लगते हैं, ऑन एंड ऑफ या फिर ब्लॉक सिचुएशन हो जाता है। तो डेफिनेटली चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन में आपके पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। रीडिंग सबके लिए ओपन है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है, जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर ओनली व्हाट्सअप करें, कॉल मैसेज ना करें। और पर्सनल रीडिंग पेमेंट करके बुक करना होता है, तो जो लोग भी रेडी है पेमेंट के लिए, आप जो है पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि फिलहाल आपकी एनर्जी कैसा है या फिर आज के दिन में आपकी एनर्जी कैसा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लव्ड वन के कॉल मैसेजेस आएंगे या फिर नहीं आज के दिन में, उनका एनर्जी कैसा रह सकता है, क्या आपको सोच रहे आपके पर्सन आज के दिन में। प्लीज़ एंसर गाइड करें मेरे व्यूअर्स का एनर्जी कैसा है, जो लोग भी मेरे देख रहे रीडिंग को, मेरे व्यूअर्स जो लोग भी देख रहे रीडिंग को, उनका एनर्जी कैसा है आज के दिन में। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, वन मोर कार्ड एंजल, दो कार्ड आ गए। ओके, तो देखिए यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, बाकी जो भी साइन मैंने पहले बताया वो आपके साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आज के दिन में आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी है, या फिर इन दिनों आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी है कि आपके पर्सन वापस आएंगे भी या फिर नहीं, ठीक है। तो आप यही चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आ जाए। कुछ लोग के लिए एक्स पार्टनर, और कुछ लोग के लिए ऐसा है जिनको आप प्यार करते हैं, कुछ लोग को ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है, पास्ट लाइफ से कोई ना कोई रिलेशन है आपका, ऐसा लगता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग के सिचुएशन में फीमेल यहाँ पर बड़ी हो सकते हैं, मेल जो एनर्जी में है वो एज में छोटा हो सकते हैं कुछ लोग के लिए। कुछ लोग के यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपका बच्चा है, इस टाइप की एनर्जी है। और यहाँ पर कुछ लोग जो है चाहते हैं कि आपके पर्सन आए ना आए, आप केयर फ्री होके आगे बढ़े, ठीक है। तो कभी कभार आपको लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि नहीं आएंगे, तो मैं जो है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करूँ अपनी लाइफ में, या फिर आपको कभी कभार लगता है कि सब कुछ छोड़ के बस आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं, खुद की विशेस को फुलफिल करना चाह रहे हैं, जो भी आपका विशेस है अपनी लाइफ को लेके। हालांकि आपका सबसे बड़ा विशेस यही है कि आपके पर्सन वापस आ जाए, उनके साथ न्यू बिगनिंग हो, उनके साथ आप आगे की ज़िंदगी को देख रहे हो। लेकिन अगर वैसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो कभी कभार आपके माइंड में ऐसा आते हैं कि आप सब कुछ ये सारे टेंशन को छोड़ के अच्छे से जियो, ठीक है। और आप काफ़ी होपफुल भी हो कि आपके पर्सन आएंगे। कभी कभार डर आते हैं आपको, ठीक है, जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो आपके अंदर की जो डर है वो बाहर आते हैं, या फिर कभी कभार आपको अपनी पर्सन के बारे में कुछ दिख जाते हैं स्पाई करते हुए सोशल मीडिया पे, या फिर किसी और से आपको कुछ दिख जाते हैं, या फिर टैरो रीडिंग देखते देखते आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर डाउट आ जाता है, टिगर मिल जाते हैं, आपको लगता है कि शायद ये इंसान नहीं आएंगे, ठीक है, शायद आपका ये रिश्ता जो है फिर से सही नहीं होगा। फिर आप जो है पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं और होपफुल हो जाते हैं। कुछ लोग का रिश्ता पूरी तरीके से एंड हो चुके हैं, ठीक है, आपको उम्मीद ही नहीं था, उसके बाद ही जो है टैरो रीडिंग आपके सामने आए हैं, और धीरे धीरे करके आपने होप रखना शुरू किया है और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल आपकी एनर्जी। अगर सिचुएशन मैच किया है तो डेफिनेटली आप आगे की रीडिंग को देखें, आपके पर्सन की एनर्जी को देखें। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है, या फिर ओवरऑल आपका पर्सन का सिचुएशन कैसा है, और वो आपको आज के दिन में कॉल मैसेजेस करेंगे या फिर नहीं, ये भी हम देखेंगे। प्लीज एंसर गाइड करें जिनको भी एनर्जी रेजोनेट हुए हैं, उनके पर्सन की एनर्जी कैसा है आज के दिन में। जब भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन भी पर्सन को याद करके देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में जो पर्सन बसा है उसके आज के दिन की एनर्जी कैसा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस,
तो कुछ लोग के पर्सन आपको मिरर कर रहे गाइस, ठीक है। जैसे आपके अंदर डर है, ठीक है, स्पेशली न्यू मून पे अगर आप डर जाते हैं, एनजाइटी होता है आपको कि आपके पर्सन वापस आएंगे नहीं आएंगे। एक बार आप सोचते हो कि हाँ आ जाएंगे, दूसरी बार आप सोचते हो कि नहीं आएंगे। ये जो टैरो रीडिंग है, ये सारे जो लोग हैं पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सही नहीं है, तो आपका जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो डगमगा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर भी वही एनर्जी आ जाते हैं कि आपके पर्सन जो है सच्चे दिल से तो वो आपको चाहते हैं, लेकिन आपके तरफ नहीं आ पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच वो स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को भी कभी कभार डर लगते हैं, क्योंकि आप भी डर रहे हो, तो आप डर रहे हो जिसकी वजह से आपके पर्सन यहाँ पर आपको मिरर कर रहे हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर हो रहा है। ओके, साइन में यहाँ पर बता दिया है, एरिस, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग है, एरिस बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग के पर्सन सिंगल एनर्जी में हो सकते हैं। ओके, कुछ लोग के पर्सन एकदम टीनेज है, 20 के आसपास एज हो सकते हैं, कुछ लोगों का 40 के आसपास एज हो सकता है आपके पर्सन की, ठीक है, 40 या फिर 60 के आसपास जो है एज हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कौन सी एज ग्रुप हो सकता है फिर, यस, तो ये सारे एज जो भी मुझे दिखा मैंने आपको बता दी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आज के दिन में, बेहद मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ज़्यादातर पर्सन की एनर्जी यही है कि वो आपके साथ ही आगे की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, आपके साथ ही सक्सेस चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर देखिए, जो भी हार्डल्स है, ऑब्स्टिकल्स है, इनसे बाहर उठना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे, चेंज करना चाह रहे, एक बटरफ्लाई की तरह एक रंगीन लाइफ वो चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उनको भी स्ट्रेंथ मिलता है कभी कभार, वो होपफुल हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ वो आपके तरफ आएंगे, स्टैंड लेंगे, आपको ऑफर करेंगे, रोजेस देंगे, लेकिन फिर जो है वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, फिर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्या थर्ड पार्टी इतना स्ट्रांग है कि वो आपके लिए फाइट कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का प्रॉब्लम है, एज डिफरेंस है, कोई ऑलरेडी मैरिड, कोई सिंगल है। ओके, तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन डरे हुए हैं, तो आज के दिन में आपके पर्सन आपको स्पाई करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन पे वो नज़र रखेंगे कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या पिक्चर शेयर कर रहे हो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। आपकी मेमोरी में वो रहेंगे, बहुत ज़्यादा याद करेंगे पास्ट की बातों को, ठीक है, सोचेंगे आप दोनों का जो एक साथ वाला मोमेंट है उनको याद करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर फ्यूचर को भी डे ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स के साथ सिक्स ऑफ कप्स यही दिखा रहे हैं कि वो चाहते हैं यहाँ पर आपके साथ उनका जो फ्यूचर हो वो बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, और उसके लिए वो एक यहाँ पर पावर में आके एक डिसीजन लेना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर सिचुएशन वैसा नहीं है, फिर भी वो स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, कारेज में आ जाते हैं, कभी कभार पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट है, वो आपको चाहते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चाहते हैं कि हाँ मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, आगे बढ़ना है, फाइट करनी है, ठीक है। फिलहाल वो अपने पेंटिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्पेशली जिनका फाइनेंस का प्रॉब्लम है, या फिर वो घर से बाहर आके आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो उनका फाइनेंस सिक्योर होना चाहिए, तब जाके वो आपको एक घर दे सकेंगे, एक अच्छा लाइफ दे सकेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे, खुद की मर्जी से डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके तरफ आना चाह रहे। तो डेफिनेटली 6 आवर्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, 6 6, ज़्यादातर लोग यहाँ पर एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पर आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है वहाँ से बाहर आके एक जीत चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, जिसको लेके वो डे ड्रीम कर रहे, सपना सजा रहे, ठीक है, इस टाइप की वाइब्रेशन में है। नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 33 आवर्स के अंदर, 6 आवर्स के अंदर, 6 बजे तक, ओके, आपके पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, उनका मैसेज आपकी तरफ आ सकता है आज के दिन में, ठीक है। तो इस डेक से फिर देख लेते हैं हम कि कॉल मैसेजेस करेंगे या फिर नई प्लीज एंसर गाइड करें कि आज के दिन में कॉल मैसेजेस आएगा मेरे व्यूवर्स को, रिसीव होगा, जो लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, क्या कॉल मैसेजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है उनका कॉल, यस, लेकिन आपको थोड़ा अपनी जीत में रहना है, आपको अपना ईगो और जीत को
आई मीन टू से आपको सेल्फ रेस्पेक्ट को जो है मेंटेन करनी है। अगर आप सामने से बहुत ज़्यादा उनको चेस करोगे, कॉल मैसेज करोगे, इंतज़ार में रहोगे तो नहीं आएगा। लेकिन देखिए सडनली यहाँ पर आपके पर्सन कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, ओके, सडनली अनएक्सपेक्टेडली वो आपके तरफ आ सकते हैं, ओके। तो आपको थोड़ा स्टबर्न एनर्जी में रहना है, थोड़ा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे बढ़ानी है और आपको सामने से बिल्कुल कॉल मैसेजेस नहीं करनी है। तब जाके जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के रिश्ते में, जो भी डिप्रेशन आ रहा था, जो भी हार्डल्स आ रहा था, वो एंड होगा काफ़ी इनके साथ और आपके पर्सन वापस आएंगे आपके लाइफ में। प्रीवियस लेडी का कार्ड है तो आने वाले 72 आवर्स, 11 आवर्स, ओके, आने वाले 12 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पर्सन कॉल मैसेजेस कर सकते हैं आज के दिन में आपको। तो गाइस ये आपका रीडिंग, होप आपको पसंद आए हैं। अगर रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट किए हैं। रिजल्ट दिखता है तो डेफिनेटली आप मुझे बताना। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।